Hello children, how are you all? I hope that you all are doing very fine. आप सब बहुत अच्छे होंगे. So this is your teacher Pooja Sahani with your book Grammar Glitter Odyssey by Brain Root series. और आज हम करने वाले हैं बच्चों chapter number 16 and the chapter number 16 is tense. So चलिए समझते हैं tense क्या होते हैं. बच्चों tense is a form of verb जो टाइम को शो करती है. ओके, अ टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम. ये टाइम को शो करती है बच्चों. हमें इससे पता चलता है कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट टेंस मतलब अभी की. ओके, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं मतलब जो हो चुका, उसे कहते हैं पास्ट टेंस. ओके, या फिर हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं मतलब फ्यूचर की, भविष्य की, जो होने वाला है. सो इस तरह से ये होते हैं टेंस. और टेंस की हेल्प से हम शो करते हैं कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की. सो तीन तरह के टेंस होते हैं जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस को. सो प्रेजेंट टेंस क्यों यूज़ किया जाता है बच्चों? इट इज़ यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स. कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं हमेशा. ओके, बोलते भी वैसे ही हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ होते हैं, या फिर वर्क डन ऑन डेली बेसिस, जो काम हम रोज़ करते हैं उन्हें हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते और बोलते हैं. अब बच्चों प्रेजेंट टेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं. असर्टिव के अलग होते हैं, नेगेटिव के अलग और इंटरोगेटिव के अलग. असर्टिव रूल क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले सेंटेंस बनाते हुए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, और अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई या ई एस या एस लगाते हैं. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी राइट्स अ लेटर. अब शी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हमने राइट नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? राइट्स अ लेटर. ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल क्या है. नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस डज नॉट. ओके, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बच्चों लगता है डू नॉट. ओके, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव का रूल. जैसे शी डज नॉट राइट अ लेटर. ओके, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव रूल. इंटरोगेटिव मतलब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? सो सबसे पहले तो डज या डू पहले आ जाता है. ओके, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस वी स्टार्ट विद डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. सो डज शी राइट अ लेटर. ओके, हमेशा याद रखेंगे हम प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ओनली इन असर्टिव रूल में वर्ब में एस या ई एस हम ऐड करेंगे. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. नाउ कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय चेंजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट्स टू प्रेजेंट टेंस. सो हमने क्या करना है, हमने इन सेंटेंस को क्या करना है, चेंज करना है. क्या करके? वर्ब को चेंज करके प्रेजेंट टेंस में. ही ड्राइव टू फास्ट. अब ही सिंगुलर है तो ड्राइव की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? यस, हम लिखेंगे ड्राइव्स. ही ड्राइव्स टू फास्ट. रॉबर्ट थ्रो द फ्रिस्बी ऑन टू द रूफ. रॉबर्ट थ्रो, रॉबर्ट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो थ्रो का यहां पर क्या हो जाएगा? थ्रोस. Robert throws the frisbee onto the roof. The band, band क्या है बच्चों? Collective noun है. और collective noun हमेशा किस में आती है? Singular verb के साथ. So the band play folk music. Singular verb के साथ आती है तो ये हो जाएगा plays folk music. My teacher, अब teacher is only one, make
इंपॉर्टेंट नोट्स इन क्लास. सो मेक का क्या हो जाएगा बच्चों? मेक्स. ओके. जेक डू हिज होमवर्क आफ्टर वॉचिंग टीवी. डू में हम ई एस एड करेंगे बिकॉज जेक इज सिंगुलर सब्जेक्ट. रूबी प्ले द गिटार एट द कॉन्सर्ट. रूबी सिंगुलर सब्जेक्ट, सो यहां पर आ जाएगा प्लेज, राइट. माई मदर टाइडी अप द रूम एवरी डे. माई मदर टाइडी अप द रूम एवरी डे. माई मदर टाइड्स अप द रूम एवरी डे. सो यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स थे उनके साथ हमने वर्ब में एस या ई एस एड किया. सो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं. यस, एंड द सेकेंड काइंड इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. ये बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं कि ये काम पहले हो चुका है. इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम. हमेशा ये एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ बहुत बार हम लिखते हैं, जैसे कि येस्टरडे, लास्ट नाइट, ओके, लास्ट वीक, लास्ट ईयर. तो ये बहुत बार अकर होती है एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ. समटाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम. कभी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम के बिना भी हम पास्ट टेंस को लिखते या बोलते हैं. अब इसमें भी तीनों रूल्स हैं, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. असर्टिव रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. हमेशा याद रखेंगे बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में असर्टिव रूल में, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे शी राइट की सेकेंड फॉर्म होगी रॉट. शी रॉट अ लेटर. नाउ नेगेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस डिडंट. डिडंट मतलब डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी डिडंट राइट अ लेटर. इंटरोगेटिव रूल में सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क. जैसे कि डिड शी राइट अ लेटर, ओके. सो ये है इसके असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल और इंटरोगेटिव रूल. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इन रूल्स को बच्चों लर्न करेंगे, राइट, ताकि आपको इंटेंसेस से सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. नाउ rewrite the sentences below using past tense. So हमें past tense को use करके इन sentences को दोबारा लिखना है. Where do you live? Where did you live? Okay, do की जगह आ गया did. They don't study science. They didn't study science, right? Simran hates cooking. So यहां पर verb की first form है, हम इसकी जगह लिख देंगे Simran hated cooking. Okay? आप इसे rewrite करेंगे अपनी notebook में. So कैसे करेंगे आप? Simran hated cooking. रोहन एंड हिज सिस्टर प्ले वीडियो गेम्स. सो यहां पर प्ले हटा के हम लिख देंगे प्लेड, ओके. रोहन एंड हिज सिस्टर प्लेड वीडियो गेम्स. आई रेड अ स्टोरी बुक ऑन द ट्रेन. अब ये यहां पर लिखा हुआ ये प्रेजेंट में है. अगर हम इसे पास्ट में करेंगे तो हम रीड की यहां पर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रेड, लेकिन स्पेलिंग उसकी सेम ही होती है. तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा बिकॉज हम इसे पास्ट टेंस में भी कंसिडर कर सकते हैं. आई रेड अ स्टोरी बुक ऑन द ट्रेन. मनोहर कांट राइड अ हॉर्स. इसका हम बनाएंगे मनोहर कुडंट राइड अ हॉर्स, राइट. माई मदर बेक्स डिलीशियस कुकीज. सो बेक्स हटा देंगे हम और आ जाएगा माई मदर बेक्ड. माई मदर बेक्ड डिलीशियस कुकीज. आई गेट ड्रेस्ड एंड ब्रश माई हेयर. आई गॉट
सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, आई गॉट ड्रेस्ड एंड ब्रश्ड ब्रश्ड माई हेयर. द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क शेक एंड ईटिंग सैंडविचेस. सो द बॉय इज हटा देंगे वॉज, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, राइट. सो आई होप दैट दिस पास्ट टेंस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट चलते हैं आगे. यस, टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस. अब हमें यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है. ओके बच्चों, ये फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लर्न होनी चाहिए. सो वी सेल्ड और सोल्ड. सो राइट फॉर्म इज सोल्ड. वी सोल्ड आर कार. आई हर्ड अ नॉइज. सो ये स्पेलिंग गलत है. आई हर्ड अ नॉइज. द मैन लॉस्ट हिज वे. लॉस्ट नॉट लो लॉस्ट इट लॉस्ट LOST. ही मेट मी इन द पार्क. आई रॉट अ लेटर टू माई फ्रेंड. राइट इट कुछ नहीं होता. राइट रॉट. ओके सो इस तरह से बनती है फॉर्म ऑफ वर्ब. राइट रॉट रिटन. ओके द बॉयज डैश ट्रेजर इन द केव. फाउंड. ओके फाइंड इट इज रॉन्ग वर्ड. Flowers grew in the garden in spring. The glass vase fell off the table and broke into pieces. So please, आप भी अपनी बुक में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को टेक करेंगे मेरे साथ ही. चलिए आगे चलते हैं. Now, this is the third one, future tense. Okay? This tense tells us about an action which has not occurred yet, जो अभी तक हुआ नहीं है. ये हमें उस एक्शन के बारे में बताता है एंड विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर. सो या तो ये कहने के बाद होगा या फिर फ्यूचर में होगा. ओके सो इसमें असर्टिव या अफर्मेटिव रूल है. सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर. वह लेटर लिखेगी. तो ये है फ्यूचर टेंस. सो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या फिर शेल. नेगेटिव रूल में हम लगाएंगे सब्जेक्ट फिर विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लाइक शी विल नॉट राइट अ लेटर. इंटरोगेटिव रूल में हम सबसे पहले आगे लगाएंगे विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, अदरवाइज हम नॉट नहीं लगाएंगे. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. विल शी राइट अ लेटर. ओके अगर हमें कहना होगा वो क्या वो लेटर नहीं लिखेगी, तब हम बनाएंगे विल शी नॉट राइट अ लेटर. ओके बच्चों, सो सिंपल तरीका है बच्चों टेंसेस को बहुत अच्छे से सीखने का कि आप इनके रूल्स लर्न करें. ओके आपको ये लर्न होने चाहिए. तो एक सेपरेट नोटबुक में, एक आप अपनी सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं और उसमें पूरा टेबल बना सकते हैं आप प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस. ओके और उसमें असर्टिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए रूल्स लिख सकते हैं. तो आपको वो कभी भी भूलेंगे नहीं. ओके नाउ दिस इज इंटरप्रिटेशन बॉक्स. Use will to make predictions or state facts about the future. So, जो फ्यूचर के लिए हम predictions करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या हम कहते हैं हम ये करेंगे, उसके लिए हम will का use करते हैं. Notice that these verbs have a single syllable. They end with a consonant preceded by a vowel, grab, slam. Verbs that do not change into the simple past form by adding D-E-D or I-E-D are called irregular verbs. जो simple past form में change नहीं होती verb जो same रहती हैं, so by adding D-E-D or I-E-D are called irregular verbs. So चलिए आगे चलते हैं. Fill in the blanks with simple future tense of the verb given in the ब्रैकेट. सो अब हमें हिन में क्या फिल करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है इन सेंटेंस को. आई डैश माई सूटकेस आफ्टर टू डेज. मैं दो दिन बाद अपना सूटकेस क्या करूंगा, पैक. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आई विल
pack my suitcase after 2 days. They dash a cake tonight. Bake karenge. They will bake. Grandma dash cookies today. Makes. Makes nahi aayega. Grandma will make. Because s hum hamesha present ke टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. ओके, द ट्रेन डैश एट द नेक्स्ट स्टेशन विल स्टॉप. आई डैश यू टुमारो मॉर्निंग मीट. अब आई के साथ बच्चों हम विल का भी यूज कर सकते हैं और हम शेल का भी यूज कर सकते हैं. आई शेल मीट यू टुमारो मॉर्निंग. आई डैश द मैच टुमारो विन. I will win the match tomorrow. Mr. Banerjee dash the meeting. Will arrange the meeting. Okay? So let's go ahead. Now, the number 8 is Suman dash the jacket. So purchase. So hum yahan par likhenge Suman will purchase the jacket. We dash a solution soon. We will find a solution soon. Ramesh dash the money before Sunday. Ramesh Sunday se pehle money return kar dega. Kaise kar dega? Will return. So aise show karenge hum ki wo फ्यूचर की बात हो रही है. विल रिटर्न. हर मैरिज सेरेमनी डैश ऑल हर रिलेटिव्स टुगेदर. हर मैरिज सेरेमनी विल ब्रिंग ऑल हर रिलेटिव्स टुगेदर. आई डैश हिम नॉट फॉरगिव. सो ये है नेगेटिव टेंस. सो आई विल नॉट फॉरगिव. ओके, he dash all the fruits within an hour. He will sell. Kakoli dash the picture. Will draw. Okay, I hope ki aapko future tense clear ho gaye honge. To chaliye aage chalte hain. Now we have a vocabulary topic from your book Grammar Glitter ODC by Brain Root series, and the vocabulary topic is synonyms and antonyms. So bachcho, synonyms kya hote hain? Synonym are the words that have the same or almost the same meaning as another word. Synonym wo word hote hain jo hum किसी वर्ड के जगह यूज करते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है. ओके, सिनोनिम जो होते हैं उनका मीनिंग या तो बिल्कुल सेम होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है. स्पेलिंग्स अलग होती हैं, साउंड्स भी अलग होती हैं, लेकिन उनका मीनिंग सेम होता है. ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं सिनोनिम्स. जैसे हांगकांग इज अ लार्ज सिटी. हांगकांग एक बड़ी सिटी है. हांगकांग इज अ मेट्रोपोलिस सिटी. अब लार्ज का भी मतलब बड़ा ही है और मेट्रोपोलिस का मतलब भी बड़ा ही है. ओके, सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स. इसी तरह से अब हम देखते हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स होते हैं बच्चों ऑपोजिट. ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड इट्स एंटोनिम्स. ओके, जैसे इज कॉफी हॉट एंड कोल्ड. अब ये जो हॉट एंड कोल्ड है ये क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल उल्टे हैं. So we have interpretation box here. The first letter of the word synonym S stands for same. A, the first letter of antonym stand for against. So aap isse yaad rakh sakte ho ki synonym matlab same meaning wale word jo hote hain aur antonyms matlab against meaning wale word, opposite meaning wale word jo hote hain. So we go ahead now. Find a synonym and an antonym in the following list to match the word in the given column. So, यहाँ हमें synonym के भी दिए हुए हैं words और antonyms के भी. हमें इन words के synonyms भी लिखने हैं और antonyms भी लिखने हैं. तो चलिए start करते हैं.
एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों, पावर। तो ये हमने क्या दे दिया, सिनोनिम दे दिया यहाँ पर, राइट। सो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं पावर, ओके। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, वीकनेस, राइट, कमजोरी, ओके। शेल्टर, शेल्टर मतलब हम किसी को सहारा, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट। और यहां पर शेल्टर मतलब किसी को छुपाना, प्रोटेक्शन देना, और उल्टा हो जाएगा कि हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, राइट। नेसेसरी मतलब जरूरी, नीडफुल, जिसकी नीड हो हमें, तो ये हो गया इसका सिनोनिम। और नेसेसरी मतलब जरूरी, और अननेसेसरी इज द एंटोनिम। ओके, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। और लिबर्टी का उल्टा क्या होगा, स्लेवरी, कि हमने किसी को फ्री नहीं किया, स्लेव कर बना लिया, स्लेवरी, गुलामी। ओके, ऑफर मतलब किसी को कुछ देना, गिव। और ऑफर मतलब किसी को कुछ देना या फिर मना कर देना, रिफ्यूज, राइट। क्लियर हो रहा है आपको। हैप्पीनेस, खुशी, डिलाइट, ओके। हैप्पीनेस का उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा सैडनेस, ओके। डिफिकल्ट का मतलब होता ही है हार्ड, एंड उसका उल्टा हो जाएगा ईजी। तो ये हमने लिखे इन वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन्हें लर्न करें, राइट। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, और ये यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए। मतलब आपको अगर बच्चों अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव बनानी है, सो आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का यूज़ आना चाहिए। राइट एंड एंटोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सो हमें यहाँ पर इनके लिए क्या लिखना है, एंटोनिम्स लिखना है, मतलब ऑपोजिट वर्ड देना है, राइट। सो चलिए चलते हैं, बोरो, लेंड, ओके। बोरो का मतलब उधार लेना, और लेंड का मतलब उधार देना। मेल्ट, कूल, मेल्ट मतलब पिघालना, और कूल मतलब ठंडा करना किसी चीज को। लूज, टाइट, ब्राइट, डल, पुअर, रिच, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब बच्चों निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। ह्यूज, स्मॉल, पावरफुल, कावर्ड, मेनी, वन, रॉ, कुक्ड, ओके। सो ये हैं इनके एंटोनिम्स। चलिए आगे चलते हैं। यस, नाउ द सी एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द हाइलाइटेड वर्ड विद देयर सिनोनिम्स। सो इनका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा इन सेंटेंस का, बिकॉज सिनोनिम्स के तो मीनिंग सेम ही होते हैं। सो पुलिसमैन स्कैटर्ड द क्राउड। सो यहाँ पर क्राउड की जगह हम कोई और वर्ड लिख सकते हैं, मॉब। पुलिसमैन स्कैटर्ड द मॉब। दीज कैलकुलेशंस आर नॉट एक्यूरेट, मतलब आर नॉट करेक्ट। व्हेन विल द शो बिगिन, व्हेन विल द शो स्टार्ट। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड टुडे, ओके। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द हाईलाइटेड वर्ड विद देयर एंटोनिम्स। This is a bright room. This is a dull room. The dress is very loose.
the dress is very tight. These earrings are cheap. These earrings are expensive. I remember your name. I forgot your name. Okay? So, चलिए आगे चलते हैं. Now, this is the puzzle. You solve the puzzle using the antonyms of the given word. So, हमें यहाँ पर antonyms ढूंढने हैं इन वर्ड्स के, across और down. So, the number one is happy और उसका antonym हो जाएगा sad, right? So, we will do first across one and then we will do down one. Okay, number two is fat. So, fat मतलब मोटा और thin मतलब पतला. Black, so number three is, where number three? Yes, white. Right? Clear है आप सबको? Okay. Early, early मतलब जल्दी. So, early, late. Okay? Old, young. Now, we will do this one. Long, six number, yes, here. Short, okay? Old, new. Old का हो जाएगा? New. Summer, winter, okay? Dark, light, best, worst. So, I hope कि आपको antonyms और synonyms का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों. और इस chapter में हमने जितने भी synonyms और antonyms करे हैं, I am giving you homework that you will learn these all. Okay? So, you will learn these all because antonyms and synonyms are the most integral part of English language. Now, we have F exercise. Rewrite the sentences after replacing the highlighted word with antonyms and the underlined word with synonyms. अब जो ये highlighted word है, इसे हमने करना है antonyms में, right? और जो underlined word है, इनके लिखने हैं हमने synonyms. So, हमें ये rewrite करना है. The lady looked rather sad. So, the gentleman. अब lady को हमने antonym कर दिया, उल्टा लिख दिया opposite, gentleman looked rather sad. अब sad को हमने बदलना है synonym में, तो unhappy. Okay? इसका दूसरा जो meaning है वो हो सकता है unhappy. The painting had brilliant shades of yellow. अब painting का हमें synonym बताना है. The artwork. Okay? Had brilliant का हमने बताना है antonyms. So, brilliant का antonym क्या होगा? जल्दी बताइए. The artwork had brilliant shades of yellow. Dull. Shades of yellow. Okay? I love to go hiking in the forest. I hate to go hiking in the jungle. Okay? Chaliye. Have you seen the fat cat? So, have you? Ab seen ka hum antonyms kya banayenge? Have you looked the thin cat? Right? The cost of the toy was too high. The price of the toy was too low. High ka kya ho jayega? Low.
There is a little bird in that nest outside. There is a small bird in that nest inside. Okay, outside ka antonyms ho jayega inside, aur little ka synonym small. Okay, because same meaning hai, right? So I hope that this chapter antonyms and synonym is clear to you. Thanks for watching. Have a nice day.